हैदराबाद मक्का मस्जिद की तारीख में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मक्का मस्जिद में रमज़ान के महीने में तरावी की नमाज़ नहीं हो रही है। वक्फ बोर्ड चाहता तो 5 आदमी के साथ तरावी की नमाज़ की इजाज़त दे सकता था, मगर इस मौजी बीमारी कोरोना वायरस के चलते मक्का मस्जिद में इस बार तरावी की नमाज़ अदा नहीं की जाएगी। सिर्फ 4 आदमी पर मुश्तमिल अभी नमाज जुमा अदा की गई है। मुख्तसर सा खुतबा हुआ है और मुख्तसर सी नमाज के बाद अभी जुमा तकमील पाया है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमान अपने अपने घरों में जोहर की शक्ल में जुमा का दिन जोहर की शक्ल में अदा कर रहे हैं जोहर की नमाज़। और मैं मज़ीद तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि ऐसे ही माहौल को बरकरार रखें जब तक कि ये कोरोना वायरस इस दुनिया से ख़त्म ना हो जाए। एहतियात का माहौल बरकरार रखना है हमको और इंशाअल्लाह ताला अगर चांद दिख जाता है आज तो रमज़ान का महीना शुरू हो जाएगा। तो मैं तमाम मुसलमानों से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि नमाज तरावी अपने अपने घरों में अदा करें, मसाजिद को आने की ज़हमत न करें। अगर आप मसाजिद को आएंगे तो मसाइल पैदा होंगे, पुरहजूम इज्तमा होगा जिसकी वजह से ये वायरस और बढ़ सकता है और फिर दूसरों को हम पर उंगली उठाने का मौका मिलेगा। एहतियात का तकाजा यही है कि अपने अपने घरों में मुख्तसर सी महफिल की शक्ल में 5-6 हज़रात ही अपने पास नमाज तरावी को अदा कर लें और इंशाअल्लाह ताला जब भी ये मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा फिर अपने अपने मसाजिद में आप लोग जमा हो सकते हैं।